नेक्स्ट परफॉर्मेंस मेयर इज पीक टाइम विच इज रिप्रजेंटेड एज टी पी सो पीक टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच इट्स फर्स्ट पीक फॉर एग्जाम्पल हम स्टेप रिस्पॉन्स की बात करते हैं सो द फाइनल पीक जो भी इसमें आ रही है तो पहली फर्स्ट uh, पीक को अचीव करने तक के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज़ द पीक टाइम ओके सो पीक टाइम जो है वो फॉर एग्जाम्पल ये फाइनल वैल्यू हमारे पास ए है और द मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास गई है वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट फॉर एनी स्टेबल सिस्टम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स विल बी अचीव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट पीक सो पहली ओवर शूट के अंदर जो है वो हमारे पास हमेशा फर्स्ट मैक्सिमम पीक आएगी एंड टू द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच दिस फर्स्ट पीक बाय द रिस्पॉन्स इज द पीक टाइम एंड इट इज डिफाइंड एज बाय द फॉर्मूला इज इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा ओके सो so, पाई हमारे पास 3.14 uh, होगा और ओमेगा की वैल्यू हमें अगर नॉन uh, हो ओमेगा इज ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी सो अगर हमें ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी पता है तो वो हम यहाँ पे पुट करके सो पी टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं ओके सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स जब टी इज इकल टू जीरो था तो उस टाइम से लेकर फर्स्ट पी के पहुंचने तक का जो टाइम है दैट इज द पीक टाइम और फर्स्ट पीक की जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज आल्सो द मैक्सिमम वैल्यू बी तो इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स बी तक पहुंचने के लिए जो पीक टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज द पीक टाइम